अनमोल बेटा, शर्माओ मत। मानसी के लिए एक बढ़िया से अंगूठी चुन लेना इसमें से। उदयपुर के सबसे पुराने और जानकार हीरे के व्यापारी थे तुम्हारे नाना जी। तुम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नाम था तुम्हारे नाना जी का, है ना नैति? बेटा, रिंग के पैसे तुम्हारे नाना जी नहीं पिताजी दे रहे, तो अपने पिताजी की हैसियत के हिसाब से लेना जो लेना, ठीक है? दीदी प्लीज आप बता दीजिए ना, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ नायरा बेटा, तुम्हें तो मानसी की पसंद नापसंद के बारे में पता होगा ना, देखो पसंद करो। ये वाली मानसी को ऐसी डेलिकेट चीजें बहुत पसंद है। हाँ नायरा, लेकिन ये सगाई में देने वाली अंगूठी थोड़ी ना है, बेइज्जती करवाओगे क्या समधियों के सामने? माँ अगर आपको शर्म आ रही है ना तो आप मत आना सामने, हम दे देंगे। मैं कोई झूठा दिखावा नहीं कर सकता, जितना अफोर्ड कर सकता हूँ ना उतना ही करूंगा। सुन रहे हो ना तुम अनमोल, जब मैंने अपनी शादी में तुम्हारे ननिहाल से कुछ नहीं लिया तो तुम्हारी शादी में क्यों लूंगा? नैतिक के कहने पे हम यहाँ से शादी का इंतजाम कर रहे हैं, अगर रेंट पे नहीं दिया होता ना तो सारा इंतजाम वहीं से करते। भाई यार ये तो कैसी बातें लेके बैठ गया है? पता नहीं क्यों पूछ लिया मैंने इसे, सबसे छोटी और सबसे सस्ती अंगूठी निकाल के दे दी इसने, मेरी तो नाक ही कट जाएगी सबके सामने। सॉरी वो मैं बिना बताए आ गया। एक्चुअली आप लोगों ने जो शगुन भेजा था तो दादी ने भी ये थोड़ा बहुत अनमोल और पूरी फैमिली के लिए। अरे कार्तिक बेटा, अब तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा, उसमें क्या शर्म क्या सॉरी। जी कल का मुहूर्त निकला है सगाई का, कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सारे इंतजाम कैसे? उस सब की आप चिंता मत कीजिए, सगाई हमारे यहाँ होगी, सारे अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगा, आप लोग बस आ जाना। शाबाश बेटा, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया, देखो इसे कहते हैं जिम्मेदार भाई। कार्तिक शादी के हर काम की जिम्मेदारी दोनों घरों की आधी आधी होनी चाहिए। अंकल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना वहां पर, तो मैं घर पर बता दूं कल का। अरे पर ऐसे कैसे, अभी तो हमने आपस में डिस्कस भी नहीं किया, और यश भी और रोज भाभी वो कैसे आ पाएंगे इतनी जल्दी? उनके आने जाने का भी सब मैं खुद अरेंज कर लूंगा, आप लोग बस उन्हें रेडी रहने के लिए कहिए। कुछ भी अरेंजमेंट कर लो, जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही ना। अरे तुम मंगनी उसके बिना कर लो, शादी तक तो आ ही जाएगा। माँ ये आप क्या कह रही हैं? यश के बिना सगाई ऐसी कैसे हो सकती है? मेरी बात हुई है उससे, उसने मुझे कहा है कि उसके और रोज की वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वहाँ एक थोड़ी ना मुसीबत है, वो रोज उसकी माँ सबको एक साथ यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। कार्तिक बेटा तुम इनकी बातों में मत आओ, जाओ जाओ तैयारी करो, बस कल का टाइम बता देना हम पहुंच जाएंगे। हा? जी एक और बात थी अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बता बता। एक्चुअली मार्केट से गुजर रहा था तो कुछ पसंद आ गया तो ले लिया, सॉरी आपसे पूछा नहीं पहले। क्या है जी ये? ये कपल रिंग्स, जैसी नजर पड़ी पसंद आ गई, मैंने सोचा ले आओ मानसी और अनमोल के लिए। अरे वाह 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 कितनी सुंदर है, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी कार्तिक, इसे कहते हैं सगाई की अंगूठी, देख नायरा। मानसी के लिए रिंग हम खुद खरीद सकते हैं कार्तिक,
तो मैंने कब कहा कि नहीं खरीद सकते? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती? गलत नहीं, सही मतलब निकाल रही हूँ। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, साफ साफ समझ में आ रहा है। मैं कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ नायरा। चीज पसंद आई तो ले आया, अपने घर पर भी नहीं बताया अब तक। आप लोगों को पसंद आएगी तो ही मैं अपने घर पर दिखाऊंगा, कोई जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती और क्या होती है? मैंने ना तुमसे कुछ पूछा ना कुछ कहा। फैमिली वालों से बात करो ना, अगर उन्हें पसंद आए तो मुझे कह दे। मैं भी फैमिली का हिस्सा ही हूँ। इसका मतलब तुम मेरी हर बात पे ऑब्जेक्शन करोगी? कल जब सब लोग आएंगे घर पर सगाई के लिए, हम उनका अच्छे से वेलकम करेंगे, उन्हें ट्रीट करेंगे, तब भी तुम्हें ऑब्जेक्शन होगा कि शायद हम लोग शो ऑफ कर रहे हैं। पागल नहीं हूं मैं, पर लग तो रही हो सीरियसली। कार्तिक मैं कुछ कहूं? देखो ये रिंग तुम वापस ले जाओ, मानसी के लिए रिंग हम खुद ले लेंगे। हमारे शादी के वक्त तो तुमने कहा था कि फैमिली की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखती है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए। फिर अब क्या हो गया? मानसी के शादी के टाइम तुम्हारे रूल्स चेंज कैसे हो गए? रूल्स तो तुमने भी बहुत सारे चेंज किए हैं कार्तिक, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुमसे बहस करना बेकार है नायरा। ये बहुत प्यार से अपनी बहन और उसके फियांसे के लिए लाया, प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे बेटा ऐसे हाथ मत जोड़ो ना, इतने प्यार से दे रहे हो, हम मना थोड़ी ना करेंगे। ला लो मुझे दे दो। मेरी बहन की शादी है ना, हर फंक्शन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा मैं, उसकी खुशी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके होने वाली फैमिली के लिए। फिर चाहे तुम उसे शो ऑफ समझो या मेरा प्यार, कुछ भी समझो, लेकिन प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। जो होगा वही समझ रही हूँ कार्तिक, और वही समझूंगी भी। तुम अपनी समझ को मुझ पे थोपने की कोशिश मत कर। मैं कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ नायरा, और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही हो सगाई में? खुद तो परेशान हो रही हो, दूसरों को भी परेशान कर रही हो। बताओ ना, भगवान मुझे पहले से लग रहा था कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाएगी। नायरा बेटा अनमोल की सगाई हो और तुम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है वाला? कल चलोगी ना सगाई में गोयंका विला? नायरा बोलो ना बेटा, आओगी ना तुम? बस कीजिए माँ, चुप हो जाइए। कार्तिक ने जो भी किया बहुत गलत किया, इतना भी क्या गुस्सा कि ये भी होश नहीं कि क्या कह रहा है, किसके सामने कह रहा है, बड़े छोटे सब है यहाँ, जो मुंह में आया बोलता चला गया। कभी कभी गुस्से में मुंह से बात निकल जाती है। वाह भाभी माँ, इस तरह गुस्से में शादी के वक्त तो बाहर वालों के सामने कोई भी कुछ भी बोल देगा किसी को। वैसे भी तो गुस्सा है ही उनमें इतना, स्वर्णा में तो है ही, सुहासिनी जी में भी है, और अब तो कार्तिक भी शामिल हो गया उनमें। कार्तिक ऐसा कैसे कर सकता है? मैं रिंग की बात से नाराज नहीं हूँ, पर नायरा, नायरा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है क्या? चाहे जितना भी गुस्सा हो, नायरा के भी तो मन में गुस्सा हो सकता है ना, वो भी तो सेम बात बोल सकती थी। जाने दीजिए ना बुआ, आप क्यों सोच सोच के परेशान हो रही? इस बात को प्लीज आप सब लोग यहीं पे खत्म कीजिए और सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए, वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।